हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग की जो फोन ऐप होती है, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग का डायलर ऐप होता है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया। उस अपडेट के बारे में आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के फोन ऐप या बोल सकते हैं डायलर ऐप का नए अपडेट के लिए। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है मेन्यू पे, या बोल सकते हैं अपडेट वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा सैमसंग फोन ऐप के अंदर। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है डायलर ऐप में, उसके बाद यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऊपर ही बता देगा न्यू वर्जन इज अवेलेबल। अगर नहीं दिखा रहा हो यहाँ पर भी, तो आपको नीचे ही जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। तो आपको उसको अपडेट पे क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा आपके गैलेक्सी स्टोर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अपडेट का जो साइज है, यहाँ पर ये अपडेट का जो वर्जन है वो है 14.0.05.23, और इसको रिलीज किया गया है 9 जनवरी 2023 में, जिसका साइज है 18.32 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, डिले क्यों होता है आने पे। फ्लैगशिप्स मतलब जो पहले प्रीमियम फोन होते हैं पहले उनको आता है, फिर धीरे धीरे फ्लैगशिप फोन में आएगा। हो सकता है आपके पास जो हैंडसेट हो अभी आपके पास नहीं आया, बट आने वाले टाइम पे आपको भी रोल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें नया एक चेंजेस किया गया है, वो यही है अप्लाइंग स्टेबलाइजेशन पैश। मतलब कि यहाँ पर अगर इस ऐप के अंदर कोई बग्स, तब तक मैं अपडेट कर लेता हूँ पहले, तो इस ऐप के अंदर कोई बग्स होंगे या फिर कोई हैंगिंग का इश्यू होगा, या कोई कॉल आ रहा है तो कॉल से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है, या बोल सकते हैं उसकी स्टेबलाइजेशन को और इम्प्रूव किया गया है। अगर आपको कोई आपका कॉल ड्रॉप हो रहा है बार बार, या फिर कोई आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा, या और भी बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं फ़ोन से रिलेटेड, वो यहाँ पर सोल्यूशन हो सकते हैं कि ये बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया। मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी कोई नया अपडेट आए, जो रेगुलर ऐप आप यूज़ करते हैं उसको आपको पर्टिकुलर अपडेट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब एक नया अपडेट आता है तो उसके बग्स फिक्स किए जाते हैं और उसमें कुछ नया इन्हांस इम्प्रूवमेंट की जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबलाइजेशन फेज को इम्प्रूव किया गया है। ऐसा स्पेशली नहीं कोई नया फीचर ऐड नहीं हो, कुछ ना कुछ अननेसेसरी वहाँ पर, या कुछ ना कुछ छोटा मोटा वहाँ पर ऐड ऑन जरूर किया गया होगा। तो आपको कर लेता है इसको ओपन, ओपन कर लेना है। अपडेट करने के बाद फाइनली ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको नॉर्मली है यहाँ पर वर्किंग पे आ गया है। हो सकता है आपको कुछ वहाँ पर इश्यूज हो, यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया गया उससे रिलेटेड, लाइक आपका कॉल ड्रॉप या ब्लॉक से रिलेटेड कॉलर आईडीज नहीं वर्क कर रही हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट कर दिया। अगर आपको नहीं पता इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक यहाँ पर सबसे पहले कॉल सेटिंग में जाएंगे तो ब्लॉक कर सकते हैं नंबर्स को, नीचे आएंगे कॉलर आईडीज स्पैम प्रोटेक्शन, यह कि बहुत ही शानदार फीचर है। ये आपको बताता है अननोन नंबर की कहाँ से कॉल आया, स्पैम है तो स्पैम बता देगा, कभी कभार तो किसी के नाम भी यहाँ पर सजेशन कर देता है। और यहाँ पर बिक्सी टेक्स्ट कॉल एक नया फीचर अभी ऐड ऑन किया गया था 1UI 5.0 में, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना की, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल जो भी होंगे आप रिकॉर्ड कॉल्स कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन शो हो या ना हो, ऑटो कॉल रिकॉर्डर हो ना हो। ऑटो कॉल में भी आपको 3 मेथड मिलेंगे, ऑटो कॉल रिकॉर्डर कॉल अननोन सेव कॉल और स्पेसिफिक नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे वर्क करेगा। उसके नीचे आएंगे रिकॉर्डिंग जो भी कॉल्स होंगी सबके आपको ऑडियो फाइल्स मिल जाएंगी। उसके नीचे आएंगे कॉलर कॉल बैकग्राउंड का दिया है, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड कर सकते हैं। लेआउट चेंज लेआउट देखना चाहें तो लेआउट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जाएं तो यहाँ पर बैकग्राउंड की इमेज फोटो जो भी आपको लगाना हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे कॉलर अलर्ट एंड रिंगटोन का है कि आप यहाँ पर कॉल अलर्ट कैसे चाहते हैं, वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड, वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड, ये सब यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। उसी के बाद नीचे की तरफ आएंगे आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल के लिए आपको शॉर्टकट मेथड दिए गए हैं कि जैसे कि रीड कॉलर नेम आल लाउड, जब भी आप हेडफोन पे हो तो ये आपको लाउड करके मतलब जिसका भी कॉल आएगा उसका नाम आपको लाउड बताएगा, नंबर होगा तो नंबर बताएगा। आंसर ऑटोमेटिकली प्रेस वॉल्यूम से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए। मिनी मिनी कैसा डायलॉग रहा है जब आप यूज़ कर रहे हो तो कैसा मिनी पॉपअप आए आपको कॉल का, वो यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं। क्योंकि टेक 9 मैसेज जब भी आप किसी का कॉल आए जिसका रिजेक्ट करना चाहे तो प्री डिफाइंड यहाँ पर आप टेक्स्ट को डाल सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग का अच्छा फीचर है, जहाँ पर आपके पास नेटवर्क नहीं हो वहाँ पर आप वाईफाई, या फिर जहाँ पर आप वाईफाई कनेक्टिविटी करेंगे उसके थ्रू कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपकी कॉल की जो परफॉर्मेंस या बोल सकते हैं कॉल की जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो आप इसके थ्रू बहुत अच्छे से कॉल को अच्छे से कर सकते हैं। वॉइस मेल अगर कोई होगा तो आप वॉइस मेल यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री सर्विस ये होता है जो कि आपकी सिम से रिलेटेड सर्विस होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी।
अदर कॉल सेटिंग में हाई कॉन्टैक्ट विदाउट नंबर कॉन्टैक्ट ना नहीं दिखे नंबर के, मतलब जब भी कॉल आए तो सिर्फ नाम आए, कॉन्टैक्ट का नंबर ना दिखे, शो कॉलर इन्फॉर्मेशन, शो कॉन्टैक्ट नंबर इन कॉल्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अलाउ करनी रहेगी, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसी के नीचे आएंगे परमिशन में क्या क्या, जैसे आपने परमिशन ले रखी वो आपको मिल जाएगी। ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया कॉल इसका, कॉल ऐप फाइनली यही अपडेट था, और इस अपडेट में ये नए चेंजेस, ये यही अपडेट था और इसमें फाइनली कुछ नए चेंजेस और कुछ बग्स को फिक्स आउट किया गया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, और इतना भी कर लिया तो ये कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।